तो दोस्तों, अगर आप भी अपने गूगल पे का जो यूपीआई पिन है वो भूल जाते हैं, यानी जो भी आपने यूपीआई पिन बनाया हुआ था वो आपको याद नहीं है, तब इस कंडीशन में आप अपने गूगल पे का जो यूपीआई पिन है उससे दोबारा आप किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं, यानी दोबारा आप किस तरीके से नया यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो अगर आप भी अपने गूगल पे का यूपीआई पिन भूल चुके हैं, आप उसे रीसेट करना चाहते हैं, नया यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप भी अपने गूगल पे का जो यूपीआई पिन है जो कि आपने सेट किया हुआ था वो पिन आप भूल चुके हैं, आपको अपना पिन याद नहीं है, तो अपना पिन आप किस तरीके से दोबारा आप रीसेट कर सकते हैं, उसके लिए गूगल पे ऐप को सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ओपन कर लें। यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल फ़ोटो अगर आप लगाए होंगे तो प्रोफाइल फ़ोटो शो होगा यहाँ पर टॉप राइट साइड कॉर्नर में, या आपको लोगो शो होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो भी बैंक अकाउंट आपने अपने गूगल पे के साथ लिंक किया होगा वो आपका अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जिस भी अकाउंट का आप यूपीआई पिन भूल चुके हैं, अपना यूपीआई पिन आप रीसेट करना चाहते हैं, दोबारा नया बनाना चाहते हैं, आपको अपने उस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर बहुत सारा ऑप्शन फिर से आपको नजर आएगा, तो यहां पर जो सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा फॉरगेट यूपीआई पिन, आपको इसी फॉरगेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने दो ऑप्शन दिख जाएगा, डेबिट एटीएम कार्ड ऑप्शन पहले से सिलेक्ट होगा और नीचे आपको उसके नीचे ऑप्शन मिलेगा आधार का, तो आधार वाला ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट करेंगे अगर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है सेम नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर है, तो आप अपने आधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एटीएम कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो डेबिट एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका एटीएम कार्ड है उस पर कार्ड नंबर दिया गया होगा, उस कार्ड नंबर का लास्ट 6 डिजिट यानी लास्ट का 6 नंबर आप यहां पर डालेंगे, कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर जो कि आपके एटीएम डेबिट कार्ड के ऊपर ही दिया गया होगा, आपको वहां पर देखना है कि आपका कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर क्या है और उसे यहां पर इंटर करना है। उसके बाद यहां पर जो एरो का आइकॉन दिखाई दे रहा है आप इस एरो वाले आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक की तरफ से रजिस्टर नंबर पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा, देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, ऑटोमेटिक मेरा ओटीपी यहां पर ले लिया है। हो सकता है आपका ऑटोमेटिक अगर ना ले तो मैसेज के थ्रू भी आपको ओटीपी मिल जाएगा, आपको मैसेज में अपना ओटीपी देख लेना है और उस OTP को यहाँ पर आप इंटर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ब्लू टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं आपको नया UPI पिन जो सेट करने का ऑप्शन वो मिल चुका है, तो जो आप पिन भूल चुके थे अब आप नया UPI पिन आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पिन को जो आप रखना चाहते हैं उस पिन को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इस ब्लू टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से कन्फर्म करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आपने पिन अभी सेट करने के लिए इंटर किया हुआ था फिर से आप उसी पिन को दोबारा इंटर करेंगे और इस ब्लू टिक के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपका गूगल पे का UPI पिन है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा।